मस्त। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए लाइव। आज हम बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की 7 यूनिट चल रही थी, जिसमें हम स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, 7th यूनिट का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों को मिल गया होगा। जो लाइव जुड़े थे उनको तो भाई कल किए ही थे, आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, 7th यूनिट का सेकंड लेक्चर, इसमें हम स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके अलावा बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बियर लैम्बर्ट लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन है चीज़ें आसान, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे। तो आप लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, और अगर वॉइस वगैरह क्लियर है तो जल्दी से आप लोग बताइए, थम्स अप करिए। खुशबू गुड इवनिंग, गीता पांडे गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अगर वॉइस क्लियर है और दिख रहा है सही से तो जल्दी से आप लोग थम्स अप करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सभी लोग जुड़ रहे हैं। भाई आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो है यूट्यूब को लगे हाँ इसमें कुछ अच्छा कंटेंट है, तभी तो भेजेगा सबके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से आप लोग जुड़ते रहेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वर्ड जो है इसका क्या मीनिंग होता है आपको बता दें हम। स्पेक्ट्रो फोटो मेट्री, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो स्पेक्ट्रो, दूसरा है फोटो, क्या है फोटो, और थर्ड है मेटरी, मेट्री। ठीक, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, क्या होता है स्पेक्ट्रम। अब आप लोग स्पेक्ट्रम तो जानते ही हो, स्पेक्ट्रम। फोटो का मतलब होता है लाइट से, किससे लाइट से, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, तो स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम जो है लाइट का जो स्पेक्ट्रम है इसके एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक, तो मेजर करने के लिए एक डिवाइस भी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता रहनी चाहिए। स्पेक्ट्रम आप जानते ही हो, जो लाइट होती है सनलाइट, सनलाइट उसमें जो विजिबल रेसेस होती हैं जो आती हैं पृथ्वी पे, जो हमको दिखती हैं, तो वो कैसी होती हैं, सफ़ेद होती हैं रेस। लेकिन जब हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें 7 अलग अलग कलर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिससे विबग्योर बनता है आपका, क्या बनता है विबग्योर, क्या बनता है विब ग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। तो यही होता है स्पेक्ट्रम, अभी आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, खुशबू गीता पांडे प्रियंका कंचन गुप्ता सभी को गुड इवनिंग। अब आइए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। डिफिनेशन क्या होती है इसकी स्पेक्ट्रोमेट्री की,
स्पेक्ट्रोमेट्री अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ के रिस्पेक्टिव हम बात करेंगे यहाँ पे, किसी सबस्टांस के द्वारा या किसी सॉल्यूशन के द्वारा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, या लाइट कितनी एब्जॉर्ब की गई है, या फिर कितनी उससे रिफ्लेक्ट की गई है। इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसके टर्म में जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तब उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? ये होता है अ डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड। फोटोन्स कहने का मतलब एच न्यू, ये क्या है आपका फोटोन, ठीक है। जो लाइट एनर्जी होती है आपकी वो पैकेट्स में होती है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वैसे तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, लेकिन हम जूलॉजी में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप अभी एप्लीकेशंस जब आपको बताएंगे तो आप देखोगे बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिसके मेजरमेंट में इसका यूज किया जाता है। मेडिसिन्स की कंसंट्रेशन कि किसी मेडिसिन में फार्मूले का कंसंट्रेशन कितना है, आप देखते हो कि 50 mg लिखा होता है, 100 mg होता है, तो 50 mg या 100 mg ये कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड होता है। ये सब जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ मेडिसिन बनती है, वहाँ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन को जानने के लिए ये यूज की जाती है कि हम एक्चुअल में जो मेडिसिन डिजाइन किए हैं वो प्योर है या ना, एक्यूरेट है या नहीं। अब कंसंट्रेशन पता नहीं चलेगा तो लिखा होगा 50 mg हो जाएगा, 500 mg तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसीलिए हम जूलॉजी में भी इसको पढ़ते हैं। इन्वेंशन इसका किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नोल्ड ओ बीकमैन इन 1940 में किए थे, क्योंकि समस्या ये थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको ठीक करने के लिए इसको बनाया गया था। प्रिंसिपल इसका जो है वो बियर लैम्बर्ट लॉ पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिक चीजें थी जो जानना आपके लिए आवश्यक था। अब सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। यहाँ आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस और किस तरीके से होता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे। प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए आपका ये सॉल्यूशन है, इसमें रखा हुआ है, ठीक, कोई भी सॉल्यूशन है, और इस पे आपकी लाइट पड़ेगी। क्या पड़ेगी? लाइट। जब लाइट सोर्स से लाइट आएगी तो पहले बीच में हम एक प्रिज्म रखेंगे, ठीक। तो हम लाइट को एक ही दिखा देते हैं, अभी एक लाइट रेस आ रही है इस तरीके से, ठीक। और ये जब प्रिज्म से गुजरेगी तो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हो जाएगी। आपको पता है अगर सनलाइट आप यूज करते हो तो ये जो लाइट होती है ये 7 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। ये इस सॉल्यूशन से पास होते हुए जब बाहर निकलेगी, ठीक, तो इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे इस लाइट में। मतलब कुछ इसमें से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और बाकी इधर रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। यही दो प्रोसेस हो रहे हैं। ये लाइट अंदर जाएगी सॉल्यूशन में, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी बचा हुआ रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देखते हो प्लांट्स, जो आपके प्लांट्स हैं ये ग्रीन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ग्रीन। प्लांट ग्रीन क्यों दिखते हैं? सनलाइट जो है, सनलाइट ये जो पड़ती है प्लांट पे तो कैसी होती है भाई? ये तो इसमें 7ों कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, और इसका कोई कलर ही नहीं। जब 7 एक में मिक्स होते हैं तो कोई कलर हमको लगता है? नहीं लगता है, श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है। ये जब पड़ती है प्लांट पे तो उसमें से सभी कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए वो रिफ्लेक्टेड प्रकाश जो होता है लाइट, वो हमको ग्रीन ग्रीन दिखती है। इसीलिए हमको जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। मान्या, आरती यादव, गुरु श्रीवास्तव सभी लोग जुड़ चुके हैं। रविता प्रजापति सर, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज
इस बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, प्लीज बता दीजिए। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का भी कुछ क्लियर नहीं है, हमको भी पता नहीं है क्लियर, वरना हम इससे पहले ही बता दिए होते आप लोगों को। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आरती यादव सर, मुझे भी बता दीजिए, मेरी यूनिवर्सिटी पूर्वांचल है, BBSPU। भाई पहले है सिलेबस, थोड़ा बहुत चलने दो, एग्जाम आ जाए तभी तो पता चलेगा। सर आप हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? प्लीज़ सर एकदम बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए हिंदी में। बिल्कुल भाई हिंदी में भी मिल जाएंगे। साक्षी सिंह गुड इवनिंग सभी को। रौनक यादव सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट किसी सबस्टांस पे पड़ती है, यहाँ सोल्यूशन लिया गया है कोई भी सबस्टांस हो, तो वो क्या करता है, उसमें से कुछ लाइट एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कितना होता है, ये कैसे पता चले, इसको जानने के लिए लैम्बर्ट ने और बियर ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट क्या था, बियर्स ला क्या होता है, बियर्स ला कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस खाली आप लोग डर जाते हो लॉ देख के। बियर का नियम यही कहता है कि एब्जोर्बेंस ऑफ लाइट, एब्जोर्बेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो आपका सॉल्यूशन है ये जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब अगर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपका सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेट है, इसमें मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट है, आप ये समझिए कि कोई खाली गिलास रखा हो तो इसमें जब लाइट पास करेगी तो इधर से उधर आराम से निकल जाएगी। एक्चुअल में बात सबको पता रहती है, लेकिन सबसे पहले जो इस पे फोकस कर लेता है उसी को साइंटिस्ट बोल देते हैं। हमारे चारों ओर घटनाएं बराबर हो रही, लेकिन उन पे हम विचार ही नहीं करते हैं, मैथमेटिकल टर्म में नहीं बताते हैं। तो खाली निकल जाएगी तो उसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं होगा। अब जब इसमें कोई मटेरियल होगा तो आपको पता ही है, कोई भी मटेरियल हो उसमें एटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर एटम होगा। ठीक, तो वो जितने ज़्यादा घना मटेरियल प्रेजेंट होगा, घना मटेरियल होगा तो उतना ही ज़्यादा जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक, आएगी इसमें लाइट ज़्यादा और निकलेगी कम, तो एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही है बियर्स का लॉ, बियर ने बताया था। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से भी कंसंट्रेशन मतलब लिख देते हैं, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक, साक्षी सिंह सर, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस चल रही हैं साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। साइटोलॉजी जेनेटिक्स के पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, पड़े हुए हैं, उसको देख सकते हो। बाकी साइटोलॉजी की आपकी क्लासेस बराबर चल रही हैं, 3 यूनिट कंप्लीट हो गई, तीसरी यूनिट चल रही है BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी की। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये है बियर्स लॉ। अब सेकेंड लॉ आता है आपका लैम्बर्ट का। तो लैम्बर्ट ने क्या बोला, लैम्बर्ट ने बताया कि जो एब्जॉर्बेंस होता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब, मान लीजिए इतना सॉल्यूशन आपका रखा था, इन्होंने कंसंट्रेशन नहीं बताया क्योंकि कंसंट्रेशन के बारे में बियर ऑलरेडी बता चुके थे, तो इन्होंने एक और नई बात बताई। यहाँ पे आप इतना सॉल्यूशन रख दिए, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, अब यहाँ पे जब लाइट निकलेगी तो कम दूरी तय की, भाई सॉल्यूशन के अंदर तो थोड़ी देर तक रही और यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर इतनी देर तक रही, तो इन्होंने बताया जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है जब वो किसी सबस्टांस से या सोल्यूशन से पास आउट होती है लाइट, तो
जो सोल्यूशन की लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है और उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बियर का और लैम्बर्ट का बस यही छोटा छोटा लॉ है जिस पे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो आप लोग बढ़िया से चिपका के आओगे, इस पे मस्त नंबर पाओगे, समझे। रौनक यादव सर, जूलॉजी का क्लास चलता है? बिल्कुल, ये जूलॉजी की ही क्लास चल रही है, फर्स्ट ईयर की 7 बजे चलती है क्लास, बीएससी फर्स्ट ईयर 7 PM पे होती है, और यह है थर्ड सेमेस्टर की, ठीक। तो लैम्बर्ट ने बताया कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज्यादा देर तक सॉल्यूशन के अंदर लाइट रेसेस चलती रहेंगी उतना ज्यादा उनका एब्जॉर्बेंस होगा। तो ये दोनों चीजें अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप लोग जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है। कंपाउंड्स एब्जॉर्ब्स लाइट रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। कहने का मतलब कि हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस किस कलर के रेडिएशन से होती है? सिर्फ स्टार्टिंग का आपका लगभग वही 400 नैनोमीटर यूज होता है और लास्ट का वही 680 नैनोमीटर, ठीक, यूज होता है। बाकी आपका जो विजिबल रेसेस आती हैं पृथ्वी पे, प्लांट पे जो बढ़ती हैं, वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की होती हैं। अब केवल फोटोसिंथेसिस इतने के लिए ही होता है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग। अब जैसे फोटोसिंथेसिस में इतना ही क्यों यूज होता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है प्लांट से, क्योंकि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है उसमें जो मोलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ इसी वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं और इसी को यूज करते हैं। अब यही जो 400 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य वाली रेडिएशंस यूज होती हैं फोटोसिंथेसिस में, इन्हीं की एनर्जी को कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और जिससे क्या होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस चालू हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, मतलब हर तरंग दैर्ध्य, हर प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सब अलग अलग करते हैं। आपको एक एप्लीकेशन बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो OH एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, ये है CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 अमीनो ग्रुप, डबल बॉन्ड हो अगर तो ये क्या है, एल्कीन है, मतलब ईन बोलते हैं इसके लिए, इसके लिए हम बोलते हैं आइन। अब आपके जब केमिकल, मान लीजिए कि इसमें एल्कोहल भरा हुआ है, एल्कोहल, आपको कैसे पता चलेगा एल्कोहल? अगर इस पर कोई लेबल लगा के ना रखे कि ये एल्कोहल है तो आप कैसे जान पाओगे? तो इसका चेकअप जो होता है, इसको चेक करने के लिए भी इसी को यूज किया जाता है, क्योंकि पहले से एक ग्राफ बनाया हुआ सारणी अवेलेबल है, उसमें हमको पता है कि जो एल्कोहल का ग्राफ है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इतना उठता है। तो आप जैसे ही इस सॉल्यूशन में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा चेक करोगे रेडिएशन डाल के, तो जो आपका डिजिटल डिस्प्ले पे ग्राफ बनेगा वो इतना ही बनेगा। उस ग्राफ को हम मैच कर लेते हैं, पता चल जाता है कि ये एल्डिहाइड है या एल्कोहल है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका एब्जॉर्ब करने की जो वेवलेंथ है वो स्पेसिफिक होती है। एल्डिहाइड जो यूज करेगा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, वो एल्कोहल नहीं करेगा, जो एल्कोहल एब्जॉर्ब करता है वो एल्डिहाइड नहीं करेगा, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट सब में अलग है। इसमें एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इसमें एक कार्बन है एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसमें दो ऑक्सीजन आ गए, इसमें N है नाइट्रोजन NH2, तो सब में मोलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए जो ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यही कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की जाती है प्रत्येक सबस्टांस में। द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन द सॉल्यूशन, मतलब
यही बात जो बियर्स ने बोला था कि सॉल्यूशन का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी। थर्ड पॉइंट है, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जब कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। जितना आप इधर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होता जाएगा। आप कंसंट्रेशन दो कर दिए तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया, तो इस तरीके से बढ़ता है। ठीक, स्मिता गोयल सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका और मैं ये सेशन फर्स्ट सेमेस्टर से देख रही हूँ, बहुत हेल्प मिला है सर, थैंक यू। बिल्कुल, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी बना के एक एक लेक्चर को पढ़ोगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। साक्षी जी, ये थर्ड सेमेस्टर वालों का क्लास चल रहा है? हाँ यस, ये थर्ड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी के लिए आप BSc फर्स्ट ईयर के देखिए लेक्चर, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ अगर समझ में आई तो जल्दी से आप लोग थम्सअप करिए, फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि डाउट कोई नहीं रहना चाहिए भाई। लाइव क्लास का बस यही एक फ़ायदा होता है कि डाउट ना रह जाना चाहिए, वैसे होगा कोई डाउट नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। तब तक उधर कमेंट करना। अ मेथड इन विच द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो मतलब हम वेवलेंथ के आधार पे ही काम करते हैं, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल्स या एटम या सैंपल किस वेवलेंथ वाली एनर्जी या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है, इसी के आधार पे ग्राफ बनता है। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मेथड इज दैट ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब्स और ट्रांसमिट्स लाइट ओवर आ सर्टाइन रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जब मूवमेंट करता है तो वो भी रेडिएशन डालता है, रेडिएशन देता है ना, वो खुद एक तरंग होता है, वेव होता है, तो उसमें अलग प्रकार की वेवलेंथ होगी। प्रोटॉन को आप मूवमेंट कराओगे तो उसमें अलग प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट करने की। अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल आफ्टर इट इज पास्ड थ्रू इट्स सोल्यूशन। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, किसी सोल्यूशन से पास करने पे लाइट रेडिएशन को जो एब्जॉर्प्शन होता है फोटोन का, उसके अमाउंट को बताता है। ठीक, विद द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द अमाउंट ऑफ अ नॉन केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाई मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस। तो अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं, जो डायग्राम दिखाएंगे वो सभी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दिए हुए हैं कि एक फोटोमीटर जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आप एक लाइट सोर्स यूज करोगे, लाइट सोर्स जो होगी वो भी मोनोक्रोमेटिक होगी। अगर वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो आपको एक मोनोक्रोमेटर लेना पड़ेगा, ताकि ये लाइट पास कराओगे मोनोक्रोमेटर पे और वो लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में बांट देगा। अब ये क्या होता है मोनोक्रोमेटर, अभी बताते हैं आगे। अरे जो प्रिज्म होता है ना आपका, उसी को मोनोक्रोमेटर बोलते हैं। ठीक, कोलीमीटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोलीमीटर। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए, कोलीमीटर। वेवलेंथ सेलेक्टर होना चाहिए, जो अलग अलग वेवलेंथ को सेलेक्ट करता हो। कुवेट होना चाहिए, कुवेट मतलब एक ओ, जो जिसमें आप सॉल्यूशन लेते हो, ग्लास बोल सकते हो, उसी को कुवेट बोलते हैं। एक डिटेक्टर होना चाहिए और एक डिजिटल डिस्प्ले जिसपे आप ग्राफ देख सकें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। अब आइए हम आपको डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझाते हैं। ठीक है, वैसे स्लाइड्स तो इसमें बहुत सारी हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका लाइट सोर्स, ये लाइट सोर है सोर्स। यहाँ से लाइट कहाँ जा रही, स्कैनिंग मोनोक्रोमेटर, यहाँ पे आपका है
मोनोक्रोमेटर, या इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ये जब प्रिज्म पे पड़ेगी तो इसमें से अलग अलग कलर के, सात कलर की रेडिएशंस यहाँ से निकलेंगी आगे, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ेंगी? आपका जो सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो सैंपल रखा हुआ है इस पे पड़ेंगी, ठीक। अब ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य की हैं, तो इसमें से उस सैंपल के अकॉर्डिंग जो उस सैंपल के लायक होंगी वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, बाकी यहाँ से फिर से इमिट कर दी जाएंगी, जो कि हम डिटेक्टर के थ्रू डिस्प्ले पे देखते हैं। ये है आपका डिटेक्टर और ये है आपका डिस्प्ले, ठीक। तो डिटेक्टर के थ्रू हम डिस्प्ले पे चेक करते हैं। अब रेडिएशंस जो होती हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है, ठीक। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये सिलेबस में अलग से टॉपिक लिखा भी है कि एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। आ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू आ सबस्टांस शोइंग डार्क लाइन्स और बैंड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पे मोलिक्यूल्स हैं, ये आपको विजिबल विजिबल लाइट जो होती है, जो हम लोगों को दिखती है, सूर्य से भाई प्रकाश बहुत सारा निकलता है लेकिन पूरा कहाँ पृथ्वी पे आता है ना, तो पूरा दिखता ही है। जो विजिबल लाइट होती है जिसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतनी वेवलेंथ को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे तो ये स्पेसिफिक है ना वेवलेंथ, यहाँ पे नहीं ऑक्सीजन कभी भी मिलेगा आपको, ये 550 पे नहीं आएगा, ये लगभग 680 नैनोमीटर, और यहाँ पे आपका वही मान के चलिए आप 625, ठीक है, नैनोमीटर। तो ये ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए, सोडियम के लिए, यफी के लिए, मैग्नीशियम के लिए, अब देखिए यफी के लिए कई सारे हैं, समझ रहे हो, यफी के लिए कई सारे हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी, फेरस 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 फेरस, मतलब जब फेरस आयरन पे लाइट पड़ेगी, आयरन का सोल्यूशन अगर मान लीजिए आपका है, तो ये इतनी लाइट गायब हो जाएगी, बाकी वाला जो पार्ट बचेगा वो बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो इतना पार्ट आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम के लिए 400 नैनोमीटर होना चाहिए। तो जो आपका सैंपल है, सैंपल में कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं उसके आधार पे लाइट का एब्जॉर्बेंस होता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, ठीक। यहाँ पे क्लोरोफिल का बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वाला ग्राफ है जो कि क्लोरोफिल का दिखा रहा है। जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल किस किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो आपको यहाँ दिखाया गया है। ये 400 से लेकर लगभग 450 तक, और इधर आपका 650 से लेकर, मतलब 650 से लेकर लगभग 680 तक इतनी लाइट सिर्फ एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में यही इतना यूज होता है, बाकी नहीं यूज होता है, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक, क्लोरोफिल के द्वारा। तो ये स्पेक्ट्रम वगैरह भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं हम, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी कई टाइप की होती है। बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। जो विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है यूजेज विजिबल रेंज 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर वेरी इन एक्यूरेसी। प्लास्टिक्स एंड ग्लास क्वेट कैन बी यूज्ड फॉर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि प्लास्टिक और ग्लास जो होते हैं इसको ये पार कर जाती है, ठीक, इधर से उधर
निकल जाएगी। इसी तरीके से अल्ट्रा वायलेट यूवी स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि 180 से 400 नैनोमीटर की रेंज को यूज किया जाता है। इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर फ्लूइड्स एंड इवन सॉलिड्स। कुवेट ओनली मेड ऑफ क्वार्ट्ज आर यूज्ड फॉर प्लेसिंग द सैंपल्स। तो ये जो है, अब देखिए इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, इसकी वेवलेंथ छोटी है। जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए ये पार नहीं कर पाएगी ना। आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें हम इंफ्रारेड जो रेंज होती है लाइट की उसको यूज करते हैं, 700 से लेकर 15,000 तक। अब यहां समझिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, डिवाइस एंड मैकेनिज्म। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन जनरल कंसिस्ट ऑफ टू डिवाइसेस। पहला होता है इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सेकंड है फोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस टिपिकली डिस्पर्स एंड मेजर द लाइट। और फोटोमीटर क्या है? इंडिकेट्स द फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर दैट मेजर द लाइट। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक। अब इसमें लाइट सोर्स जो आप यूज करोगे ये कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। द स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। लाइट सोर्स, इट प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब लाइट सोर्स आप कोई भी नहीं यूज करोगे, लाइट सोर्स वही यूज करोगे, ऐसा लाइट सोर्स यूज करोगे जो आपके सैंपल के लिए रिक्वायर्ड हो, स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला यूज करोगे। कोलीमीटर क्या होता है? ट्रांसमिट्स अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट। मतलब कहने का ये है, आपका सोल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। यहाँ से आपका मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, यहाँ से रेसेस निकल रही हैं, तो सबसे पहले प्रिज्म पे पड़ेंगी। अब प्रिज्म पे पड़ते ही वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से बेंड हो जाती है, ठीक, बेंड हो जाती है ना भाई, विभगोर बनता है आपका, विभगोर। तो इस तरीके से होता है, ये सबसे ज़्यादा नैनोमीटर वाली होगी, 700 नैनोमीटर वाली। यहाँ आपका जो वायलेट है 400 नैनोमीटर वाला होगा, तो इस तरीके से बेंड हो जाती है। अब ये जब बेंड हो गई तो सभी लाइट की रेसेस तो पास नहीं कर पाएंगी सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन तो यहाँ है, ये तो ऊपर निकल जाएंगी, इसलिए कोलीमीटर यूज किया जाता है। यहाँ पे लेंस होता है ना एक, उसी को कोलीमीटर बोलते हैं। जब इस पे पड़ेंगी ये तो फिर से क्या होगा, ये एक पास इस तरीके से खींच दी जाएंगी जिससे कि उस सोल्यूशन से सभी पास हो सके। तो कोलीमीटर का यही काम होता है, ये एक चीज का यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक, एग्जाम में सब कुछ लिखना भी पड़ेगा। मोनोक्रोमीटर क्या होता है? स्प्लिट द लाइट इंटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। मतलब जो लाइट आप यूज किए हो उसमें जितने भी वेवलेंथ वाली अलग अलग लाइट प्रेजेंट होगी सबको अलग अलग कर देगा, यही है आपका मोनोक्रोमेटर, जिसको आप प्रिज्म बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रिज्म बोलो या फिर मोनोक्रोमेटर बोलो। तो इसका काम होता है स्प्लिट द लाइट इंटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। फोर्थ है वेवलेंथ सेलेक्टर, ट्रांसमिट्स ओनली द डिजायर्ड वेवलेंथ। मतलब आपको किस वेवलेंथ की जरूरत है इस सॉल्यूशन में पास करने की, सिर्फ उसी को आगे जाने देगा, ठीक। तो इसमें ये जो आपका लगा है ना लेंस वगैरह, इसके बाद में एक वेवलेंथ सेलेक्टर भी यहाँ पे लगा होता है जो स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही केवल आगे जाने देगा, बाकी को वापस कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। यहाँ पे और अच्छे से आप समझ सकते हो, डायग्राम अच्छा सा बनाया हुआ है, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले में भी 0.20 दिखा रहा है ना। तो ये कोई वैल्यू होगी एल्कोहल एल्डिहाइड या किसी और सब्सटेंस से मैच करने वाली। एक इसकी स्टैंडर्ड जो टेबल होती है वो पहले से हमको गिवन होती है, जिसमें हमको पता होता है कि एल्कोहल के लिए इतना वैल्यू होगा, एल्डिहाइड के लिए इतना वैल्यू होगा, सबका वैल्यू पता रहता है। तो यहाँ पे जितना छपके आता है, मान लो आप एल्कोहल लिए और एक एल्कोहल के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू 5 है, तो अगर आपका यहाँ पे डिस्प्ले पे डिजिटल डिस्प्ले पे 500 हुआ तो आप समझ जाएंगे कि एल्कोहल है इस सोल्यूशन में। तो लाइट सोर्स पहले आप यूज करते हो, फिर कोलीमीटर यूज करते हो, जिससे क्या होता है लाइट को आप इस तरीके से
जो बिखरी हुई लाइट है उसको एक पास कंडेंस कर सको। अब ये मोनोक्रोमेटर या आप जिसको प्रिज्म बोलते हो, इससे अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर में ये टूट जाएगी। और फिर यहाँ पे यूज करोगे वेवलेंथ सिलेक्टर। अब इसमें से जो वेवलेंथ वाला आपको पास आउट कराना है सोल्यूशन में, उसी टाइप का वेवलेंथ सिलेक्टर यूज करोगे। ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, यहाँ से वही वेवलेंथ सिर्फ पास होगी। अब जो पास होती है वेवलेंथ, तो उसकी इंटेंसिटी भी घट जाती है, स्पीड भी घट जाती है। इन सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के थ्रू ये डिजिटल डिस्प्ले पे आपका शो हो जाता है। तो यही होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, समझ में आ गया। अब हम बेयर लैम्बर्ट वाले पे थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहली बात ये है कि ये आसान बहुत है, ठीक, आसान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इस पे पूछा जाता है। बेयर लैम्बर्ट लॉ, शॉर्ट नोट जो है, इस पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक नंबर में वन लाइनर और एमसीक्यू भी इससे पूछे जाते हैं। तो बेयर लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ समझ लीजिए आप, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी आई नोट, मतलब स्टार्टिंग में जब आप लाइट को डाले सोल्यूशन पे, तब उसकी इंटेंसिटी थी कुछ आई नोट, जब वो पास होके बाहर निकलेगी तब मान लीजिए आप आई है, ठीक। इनिशियल इंटेंसिटी आई नोट पासिस थ्रू अ सोल्यूशन इन अ ट्रांसपेरेंट वेसल, मतलब पारदर्शी बर्तन से पास किया गया। सेम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब, सम ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, मतलब उसमें से कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट आई, मतलब जो इसमें लाइट गई उसकी इंटेंसिटी थी आई नॉट, और जो बाहर निकली वो है आई। ये अलग अलग डिफरेंट वैल्यू होंगी, क्योंकि कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली गई, बची हुई जो है उसकी इंटेंसिटी आई है। इज लेस देन आई नॉट, जो कि आई नॉट से कम होगी क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब कर ली गई। देयर इज सम लॉस ऑफ लाइट इंटेंसिटी फ्रॉम स्केटरिंग बाय पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशंस के अंदर मोलिक्यूल्स, एटम, पार्टिकल्स, कुछ भी आप कह सकते हो, जो प्रेजेंट हैं उसके द्वारा जो स्केटरिंग हुई है उससे जो लाइट का लॉस हुआ है इंटेंसिटी का। एंड रिफ्लेक्शन एट द इंटरटेसेस बट मैनली फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, ज़्यादातर उन एटम्स के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब करने से जो इसकी वेवलेंथ और इसकी इंटेंसिटी में लॉस हुआ है बाय द सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। दियर द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आई नोट डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, मतलब इसको यल से बोलते हैं कि कितनी दूरी तय किया, ये जो है आपकी ये यल लेंथ हो गई, ठीक। तो ये लैम्बर्ट का लॉ है, किसका लॉ है, लैम्बर्ट, लैम्बर्ट ने बताया था कि कितनी ज़्यादा लेंथ तय करेगा वो उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक। तो इसको हम यल से डिनोट करते हैं। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन सी, मतलब द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यल और सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो एब्जॉर्पेंस ऑफ लाइट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ए इज इक्वल टू स्मॉल ए यल सी। ये स्मॉल ए जो है आपका, ये यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला जो आपका निकल के आया है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ए क्या है, ए है आपका एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। यल है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन,
और सी है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ तक लाइट ट्रेवल करेगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सिंपल लॉ है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये दूसरा एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक, लैम्बर्ट लॉ भी यही है। यहाँ पे जो आपका लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधा आपको याद रखना है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एब्जॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द लेंथ ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम इंक्रीजेस। अगर लेंथ बढ़ाओगे, ये लैम्बर्ट का लॉ है, तो ए प्रोपोर्शनल टू होगा एल के, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक, ये है बियर्स लॉ। ये क्या है, बियर्स लॉ। ठीक, इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी लिखा है, आपके सिलेबस में इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ एब्जॉर्प्शन पूछा जाएगा कि एब्जॉर्प्शन कितना होता है। तो एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, और लैम्बर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ए प्रोपोर्शनल टू होगा एल के। तो हम टोटल कह सकते हैं ए इजिकल टू प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा और सी एंड एल। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिससे कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन की। ठीक है, इसमें कहीं एप्लीकेशन वाला पढ़ा था पार्ट कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। लग रहा है स्लाइड कहीं खो गई। ये हैं एप्लीकेशंस इसकी। ठीक, एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको डिटेक्ट करने में, जैसे कि OH है, एल्डिहाइड है। ठीक है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, NH2 हो गया आपका। तो ये अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ईन हो गया, आयन हो गया, तो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है कंसंट्रेशन मेजरमेंट में। ठीक, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है मेडिसिन। जो आप सीरप पीते हो, वो जो सोल्यूशन होता है ना, सीरप के अंदर जो सीरा भरा हुआ होता है उसका कंसंट्रेशन एक बार ऐसे ही चेक होके फिर आता है। अब ऐसा नहीं हर सिरप में चेक करते, इतना तो टाइम है नहीं। एक बार मान लीजिए 1000 लीटर जो आप सिरप देखते हो, वो ऐसा तो है नहीं कि एक एक अलग बनाया जाता है, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें 1000 लीटर एक बार में दवा बनाई गई। तो उसमें क्या होता है, इसमें से थोड़ा सा सैंपल बाहर निकाले और उसमें ये टेक्निक किए, फिर उनको पता चल गया कि जो एक्चुअल अब भाई जो सिरप होता है आपका, तो सिरप में टोटल आपका फॉर्मूला तो प्रेजेंट नहीं होता है, चीनी होती है, बाकी बहुत सारे फ्लेवर होते हैं उसमें, अलग अलग कलर के कलर भी उसमें कोडिंग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो आपका मेन फार्मूला है वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन चेक करना आवश्यक है, वरना कैसे पता चलेगा कि कितना डोज पेशेंट को देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसंट्रेशन मेजरमेंट में यूज की जाती हैं। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, तो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए भी यूज किया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में यूज होता है, और मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन। ठीक, मोलिकुलर वेट के डिटर्मिनेशन में भी इसको यूज करते हैं। आप लोग शायद थर्ड ईयर के सिलेबस में आपके ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, वहाँ आप
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है इसकी पूरी एक यूनिट रहेगी जिसमें आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, वहाँ पे इसी के पार्ट है। ठीक, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक, एचएमआर हाइड्रोजन मैग्नेटिक एचएमएनआर होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं जो आपको आगे पढ़ना है ये, और इसको पीएमआर भी एक पढ़ोगे, प्रोटोन मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको थर्ड ईयर में पढ़नी पड़ेंगी, या तो केमिस्ट्री या जूलॉजी, कहीं ना कहीं दोनों में से पढ़नी पड़ेंगी, संभवतः आपके केमिस्ट्री में होंगी। ठीक, तो थर्ड ईयर में ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन आएंगे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, इतने हार्ड टॉपिक होता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दिए जाएंगे केमिस्ट्री में जिसको आप डिटेक्ट करके बताओगे। अब वहाँ यूनिवर्सिटी में आपके करवाया भी जाएगा एक्सपेरिमेंटली। उसके अलावा इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड हार्ड बनते हैं। ठीक, तो ये सबसे टफ पार्ट रहता है थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में सबसे टफ पार्ट जो होता है केमिस्ट्री में वो एनएमआर और पीएमआर होता है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा टफ पार्ट होते हैं, लेकिन आसानी से समझोगे। अब ये बेसिक आपका यहाँ से तैयार ही हो गया है, चीज़ें वहाँ भी समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो इतना ही पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए। फिर अभी आपकी 9 बजे से 8:53 हो गया है, अभी 5 मिनट बाद आपकी बॉटनी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बॉटनी की जो क्लास है उसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज पढ़ने वाले हैं, U4BSE। ये जो फैमिली है ना, मैंने आपको बताया था कि सोलेनेसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया था अभी तक। इस पर अगर डबल टिक लगाए हो तो इस पर 4 टिक लगेंगे, ये इतनी इम्पोर्टेंट है U4BSE, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से उस क्लास को भी ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्डेड पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना ज़रूर है उसको अच्छे से। ठीक, टाइम भी काफ़ी उसमें लगेगा, बड़ी फैमिली। ठीक है, तो राहुल यादव, आरती यादव, दिवेश यादव, रिधिमा वर्मा, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है भैया, तो हम यहीं पे क्लास को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में भी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।